पिपरिया से। उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद अब प्रदेश में भी महिला यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में बीती रात एक पिता अपनी नवविवाहिता पुत्री को थाने लेकर पहुंचा, जहां उसने गांव के ही आधा दर्जन लोगों द्वारा उसकी बेटी को अगवा कर उसके साथ ज्यादती करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला पुनौर गाँव का है। जानकारी के मुताबिक आरोपी विवाहिता को जबरन अपने साथ ले गए, जहाँ उन्होंने पीड़िता के साथ दो बार ज्यादती की। घटना 20 सितम्बर की, लेकिन दबंगों के डर से पीड़िता और उसका परिवार डरा सहमा अपने साथ हुए अत्याचार की शिकायत तक करने से डरता रहा। वहीं मामला सामाजिक स्तर तक पहुंचने के बाद पीड़िता परिजन रिश्तेदारों के साथ आखिरकार 4 अक्टूबर यानी कि कल रात रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची। मामला दर्ज होते ही मंगलवार थाना पुलिस ने तत्काल 3 आरोपियों को कुछ ही घंटों में किया गिरफ्तार। साथ ही बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तारी की बात आला अधिकारियों द्वारा कही जा रही है। लेकिन देश भर में जिस तरह महिला यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अपराधियों का कानून के प्रति बेखौफता को उजागर करता है। ये बच्ची कौन है आपकी? बच्ची साहब मेरी बेटी है। अच्छा, तो विवाहित है क्या? शादी हो चुकी है? हाँ साहब, शादी हो चुकी है। ये क्या हुई घटना? कैसे घटना साहब? हम सो रहे थे साहब घर पर, उसको मुँह बंद कर लेगा ये कहने के, जहरीला सामान संगा कर लेगा साहब की नॉलेज नहीं। कौन ले गए साहब? ये गाँव वाले। क्या नाम जानते हो उनको? जितेंद्र, हाँ, विक्रम, हाँ, और धर्मेंद्र, एक करते का जितेंद्र। अच्छा, ये कब की घटना है? ये सर 20 तारीख। 20 तारीख की ये रिपोर्ट लिखवाई आपने? जी सर। आपकी बच्ची कब मिली आपको? मेरी बच्ची साहब वो 3 दिन बाद मिली। 3 दिन बाद मिली। क्या चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं? आप कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हो? जी सर। क्या लोग थे? अच्छा, क्या नाम? क्या जल्दी जल्दी बोलो साहब नाम। एक का नाम दुखकरा, एक का नाम राजेंद्र, एक का नाम दुखकरा, एक का नाम धर्मी। हमने रात पर बच्ची को ले गए, हमने बच्ची को ढूंढा साहब, नहीं मिली साहब। 2 दिन के बाद हमने कहा मर रहे पुलिस चौकी आए, पुलिस चौकी हमारी बात ही नहीं सुनी साहब। फिर हम पिपरिया थाने आए शाम को, साहब साहब बोले कहे हम तुम्हारी रिपोर्ट अब लिखेंगे। कहे कितनी तारीख को आए थे आप? साहब जी हम 20 तारीख को आए। 20 तारीख से गए आप? कौन सी चौकी पे गए थे? सांडिया चौकी गए साहब। कौन मिला था वहाँ पर तुमको? हाँ साहब कोई नहीं मिला, फिर हम ये यहीं आ गए। जो कि पिपरिया थाना क्षेत्र में आता है, इसकी एक महिला जो कि SC वर्ग से है, उसके द्वारा कल थाने में आके सूचना की गई अपने माँ बाप के साथ में कि उसके साथ में दुष्कृत किया गया है। उसमें 7 आरोपी बता रही है, जिसमें से 4 नामजद आरोपी और 3 अज्ञात आरोपी जिसको वो पहचान नहीं पाए। उस 4 अज्ञात आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी 6 घंटे के भीतर कर ली गई है, पुलिस उसमें सफल हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश एवं गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरी टीम रवाना है। शाम तक इसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है, जल्द से जल्द इसमें सफलता मिलेगी और इसमें फिर आगे की कार्रवाई हम लोग जल्दी सुनिश्चित करेंगे। महिला आरक्षित वर्ग की है? महिला SC वर्ग की, जैसा मैंने आपको बताया शेड्यूल कास्ट वर्ग की है, तो इसमें शेड्यूल कास्ट की भी धाराएं शामिल की गई 376, और उसको घर से ले जाने की जो धाराएं होती हैं, घर से उठाकर ले जाने की, वो धाराएं शामिल की, उसी के अंदर FIR की गई। खबर भारतवर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।